अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद रबिया में इमली की चटनी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने आधा पाव इमली रात को भिगो दी थी इस तरह से। हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने गुड़ लिया है। इमली की गुठलियाँ पहले हम अलग कर लेंगे। एक बर्तन ले लेंगे, इसमें डालते जाएंगे। इसी तरह हम सारी इमली की गुठलियाँ जो अलग कर लेंगे और गुदा अलग कर लेंगे। गुदा अलग हो गया, इमली की गुठलियाँ भी अलग हो गई हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, अब स्ट्रेनर के साथ इसमें डाल लूँगी। पल्प हमारा तैयार है, अब इसमें हम जो मसाले थे वो डालेंगे। बर्तन में पहले डालेंगे ये सारा पल्प, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें डाल देंगे और मसाले भी डाल देंगे सारे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे, इतनी फ्लेम होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे साथ साथ। इसके लिए लकड़ी का चम्मच हम पकाते हुए इस्तेमाल करेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे ठंडा करेंगे। चूल्हा बंद करके अब इसे हम ठंडा करेंगे अच्छे से। तो ये देखें ठंडा हो गया है, अब इसे हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। अच्छे से हमने इसको ब्लेंड करना है। अब स्ट्रेनर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसे चम्मच की मदद से इसका जो गुदा अलग कर लेंगे। जग में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो अच्छे से हमने पल्प निकाल लिया, ये जो वेस्ट निकला है ये फेंक देंगे हम। तो दोबारा से इसे चूल्हे पर रख के पकाएंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। तो ये हमारी ठीक हो गई है चटनी। अब इसे हम उतारेंगे, ठंडा करेंगे और एक बॉल में निकाल लेंगे। मैंने एक एयर टाइट जार भी लिया है, आपके पास भी होंगे, आप भी इसी तरह जार में डाल के इसको बंद करके फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में। ये मैंने रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपको बताई है। ये पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, दही भल्लों के साथ, दही फुलकियों के साथ इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बनती है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। अल्लाह हाफिज़।